हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। यार अपन आए हुए हैं अभी जसवंत थड़ा, जिसे राजस्थान का राजमहल कहते हैं। अपने मेहरानगढ़ दुर्ग के पास में, जस्ट पास में ही बना हुआ है वो, देखो उस साइड आपको दिखेगा बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि मेहरानगढ़ तो पहले मैं घूम लिया था यार, लेकिन आपको पता है मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं डालता। लेकिन हाँ, सोचा यार जसवंत थड़ा का वीडियो क्यों ना बना जाए, थोड़ा सा लंबा कर ही देता हूँ वीडियो को। और सामने ये देख रहे हो राव जोधा जी की प्रतिमा लगी हुई है, जिन्होंने शहर का निर्माण कराया था 1459 जोधपुर का, और वो हमारा आलिशान मेहरानगढ़ 550 सालों से खड़ा हुआ इधर। और ये पूरे शहर का नज़ारा है। आ जाओ यार, अपन जसवंत थड़ा घूमते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, बकचोदी में टाइम नहीं फेलना है। टिकट मिल गए भाई, अब पूरी दबंगई से अंदर जा सकते हैं चौड़ में। भाई यार इधर एक चीज़ ये हो गई है यार, सेल्फी स्टिक कहीं भी अलाउड नहीं है, ना हमारे किले में अलाउड है और ना ही इधर। अभी पता लगा है, कारण पूछा तो ये बताया गया है, इधर कई लोग यार गिर के मर चुके हैं सेल्फी स्टिक के कारण। वो सेल्फी ले रहे थे कोने कोने में, ऐसी जगहों पर खड़े हुए ऐसे सेल्फी लेते हैं और फिर गिर जाते हैं। अब हालांकि यार इधर तो पानी है नहीं, इधर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन किले में अगर आप ऐसे कांड करोगे तो यार मरना तो है आपको। इस कारण से ये सेल्फी स्टिक वगैरह बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, हटाई दी गई है। देख लो भाई, ये एंट्रेंस है जसवंत थड़ा की, और ये रहा मेन स्ट्रक्चर जसवंत थड़ा, और छोटा सा गार्डन है। और वहाँ जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो थोड़े बहुत, ये अभी बिल्कुल नए बने हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर हैं ये जो छतरियाँ हैं, बिल्कुल नई हैं, ये अभी की हैं कुछ टाइम की। और ये जो पूरा आर्किटेक्चर है ना, बहुत पुराना है, लगभग 100-125 साल इतना मान लो, क्योंकि 1906 में बन के तैयार हुआ था ये। महाराजा जसवंत सिंह जी के बेटे जो महाराजा सरदार सिंह जी थे, उन्होंने बनवाया था उनकी स्मृति में। और बस यही इसकी हिस्ट्री है, ज़्यादा इसके पीछे कोई कहानी है नहीं लंबी चौड़ी। या डूड्स, क्या हाल? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मज़ा आ रहा है क्या? बहुत मज़ा आ रहा है यार, मज़ा किसको नहीं आएगा यार। बस यार मौसम थोड़ा अच्छा होता ना और मज़ा आता। हेलीकॉप्टर, और ये भाई भी अपना व्लॉग शूट कर रहा है, बढ़िया शूटिंग चल रही है इसकी तो बराबर। अपना कैमरा मैन भी धर रखा है यहाँ, तो अपने हाथ से काम चला रहे हैं, अपना हाथ जगन्नाथ। गर्मी बहुत है यार, बहुत गर्मी है। थोड़ा टेलकम पाउडर लगा के आया था, वो भी पिघल के बह गया। ये देखो यार सिटी का व्यू, और इधर से ये देखो, पहले तो मेहरानगढ़ देखेगा आपको, मेहरानगढ़ के बाद ये पूरा हमारा शहर, और वहाँ पर ये देखो, हो सकता है यार आपको वीडियो के अंदर दिखाई नहीं देगा, लेकिन जस्ट सामने उम्मेद भवन है, चितर पैलेस जिसे हम कहते हैं, ये भी बहुत पॉपुलर है। अरे कहाँ भागे जा रहे हो? हाय लग गई, पैर टिक गया। वो देखो कहाँ से फोटो ले रहा हूँ, देखो ऊपर दिख रहा है छोटे से गोल में, अच्छी जगह वहाँ चढ़ने का बना हुआ है। ए वहाँ पे जा भी सकते हैं, देख सीढ़ियाँ हैं शायद। अरे नहीं जा सकते, मैं क्या बताऊँ क्या है यार ये, क्या बनाऊँ? जूते चप्पल, जूते चप्पल अपने उतार के जाओ, इसका मतलब ये है कि ये क्या है। ओए
जब आप व्लॉगिंग कर रहे हो तो यार तो मज़ा तो बहुत आता है अपनी तरह से, लेकिन यार एक चीज़ जो बड़ी अजीब सी है, लोग ऐसे देखते हैं यार जैसे कि उन्होंने इंसान ही नहीं देखे, पहली बार उन्हें इंसान दिख रहे हैं। आओ जी चलते हैं जी ऊपर। यार ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस ये है कि बाहर ये देखने लायक है, आर्किटेक्चर बहुत प्यारा है, संगमरमर का बना हुआ। यह गार्डन है, गार्डन में आके बैठो, लेकिन यार धूप इतनी ज्यादा कड़क है, बैठे भी कहाँ पे। हाँ जोधपुर के रहने वाले हैं तो यार हमें तो धूप की आदत ही है, सड़ गए हम। स्ट्रक्चर तो यार अपने राजस्थान का यू ही बहुत मशहूर है, जो पूरन में जो कारीगरी है वो कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी, जो राजा महाराजा समय हुआ करते थे, तो ये देखिए पूरा हम आपको दिखाते हैं। देख लो भाई यार दोस्त कितना अच्छा समझा रहा है। लो भाई अब अंदर चलते हैं और देखते हैं एक बार सामने से एरिया एंट्रेंस। आ जाओ बे ओ बंदू, चलो 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 चलो। अरे भाई मैं तो जूते खोल दूं अपने, मैं देखूं यार अंधेरा बहुत ज्यादा है। ये है देखो भाई, जितने भी अब तक ये मारवाड़ राजघराने में राजे महाराजे हुए ना उन सबकी फोटो लगी हुई है इधर। अंधेरा तो मेरे को दिख रहा है लेकिन वीडियो में तो फुल क्लियरिटी है बस। देखो भाई ये महाराजा अभय सिंह जी 1724 से 1749 1773 1724 भाई, ये तो पुराने जितने भी चलते जाओ चलते जाओ। राव रिनमल 1427, राव जोधा जी देखो ये जिन्होंने निर्माण कराया मेहरानगढ़ का और जोधपुर की स्थापना करी थी। राव जोधा जी, राव बागा, ओए फंस गया रे मैं, अभी उलझ के गिर जाता अच्छा होगा, फंस गया भाई। यार मैं तो ये देख रहा हूँ इधर में क्या सबसे पुराना कौन है यार इनमें से, राव कन्हड़पाल, राव जनम सिंह, राव चाडा, मैं देखा हूँ सबसे पुराना कौन है, ओल्डेस्ट राव जोधा जी तो हैं 500 साल, उससे पुराने एक मेरे को मिले यार ये राव दुहाल 1292-1309 और ये उनसे पुराने 1273, फिर राव सिंहा जी अभी सबसे पुराने आते जा रहे हैं 1250। भाई मेरे हिसाब से तो सबसे पुराने वही हैं जो मैंने आपको दिखाए थे, जाके देखता हूँ यार क्या नाम था भाई। सबसे ओल्डेस्ट जो है यही है राव सिहा 1250, सबसे मतलब पहले के जो सबसे आखिर में बताया गया। लो भाई चलते हैं बाहर, यही था जसवंत थड़ा में सूर्य स्मृति में बनाया गया यार ये, और बस मेरे को एक ही चीज़ बस ये लगी यार कि हम लोग जिस मौसम में आए हैं यार क्या कर सकते हैं, हमारी मजबूरी है राजस्थान में, वो भी मारवाड़ का मौसम। बस यही कहूँगा यार आप भी आओ इधर मेहरानगढ़ आते हो तो जस्ट उसके पड़ोस में ही है जसवंत थड़ा, यहाँ भी आ ही सकते हो, मेनली लोग आते हैं इधर, अच्छी जगह है यार थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ गर्लफ्रेंड ऑल्सो। तो बस अब इधर से घूम के वापस जाएंगे हम सीधा यहाँ से अपनी गाड़ी में, गाड़ी से सीधे घर। बस अपने ब्लॉग को मैं यही एंड करता हूँ, और ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, दिखाने के लिए है नहीं, इतना ही था इधर। और मेहरानगढ़ जो हम घूमे थे उसका मैंने यार कोई बड़ा व्लॉग नहीं बनाया, मतलब अब तक मैं बनाता हूँ 20-30 सेकंड 50 सेकंड का, ये मैं शॉर्ट्स ही बनाता हूँ, लेकिन शायद ये पहला ही वीडियो है जो लंबा है, वेरी लॉन्ग, सो लॉन्ग। तो बस ओके टाटा बाय बाय, आपको फिर मिलेंगे अगले किसी व्लॉग में।
टाटा।